एक जाति का जो भी बीज होता है उसमें मेल और फीमेल दो तरह के होते हैं, मेल भी होता है फीमेल, जैसे बिंदु आत्मा है ना, तो बिंदु आत्मा मेल भी हो सकती है और कभी फीमेल भी हो सकती है। ऐसे ही हर जाति का जो बीज है वो जब बोया जाता है तो फीमेल के रूप में भी पैदा हो सकता है और मेल के रूप में भी पैदा हो सकता है। तो पपीता का भी जो बीज है वो मेल के रूप में कोई पैदा होता है तो उसमें सिर्फ फूल फूल आते हैं, उसमें फल आते ही है, और एक फीमेल होता है उसमें फल आते हैं खूब, तो उसे फीमेल कहा जाता है। लेकिन वो तब आएंगे जब दो चार मील के दायरे में कोई ना कोई मेल वृक्ष खड़ा हुआ होगा। अगर नहीं होगा दो चार मील के दायरे में कोई वृक्ष तो पपीता का फल भी फल नहीं मिलेगा, तो वो दूर से ही पराग फीमेल पपीता है, पपीते का वृक्ष वो दूर से पराग खींच लेता है। ऐसे ही खींच लेता है जैसे लक्ष्मी नारायण जो संगम युगी है वो आपस में मिलकर के नहीं रहते, दूर दूर है लेकिन मन दोनों का मिला हुआ है। लक्ष्मी के ऊपर है उस नारायण की छाप दिल पर पड़ी हुई है, ये शिव बाबा का स्वरूप है। अच्छा, तो वो बुद्धियों को जुटा हुआ होने के कारण वो राधा कृष्ण जैसे बच्चों की पैदाइश हो जाए। राधा कृष्ण जो बच्चे पैदा होंगे वो सेकंड ग्रेड के होंगे, क्या फर्स्ट ग्रेड के होंगे लक्ष्मी नारायण संगम के, वो शिव बाबा की औलाद है। कौन लक्ष्मी नारायण जो है वो शिव ज्योति बिंदु शिव सुप्रीम सोल की औलाद है, और वो जो राधा कृष्ण होंगे वो सेकंड ग्रेड के बच्चे होंगे। जो राधा कृष्ण पैदा के पैदा होंगे वो दृष्टि की आकर्षण से पैदा होंगे, दृष्टियों की पावर से पैदा होंगे, या सचिव में दृष्टि की पावर से बच्चे पैदा होते हैं, मुख के प्यार के बच्चे पैदा होते हैं। देवताओं विष्णु का चित्र है, देवताओं को भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, देवताएं मुख समान देवताओं को दिखाया गया, मैंने कहा इंद्रियों का प्यार नहीं होता, गंदी इंद्रियों का प्यार नहीं होता, वहां जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं उनका प्यार होता है। तो जो समूह भी लक्ष्मी नारायण उनको उसकी भी दरकार नहीं, क्या वो इंद्रियों की भी दरकार नहीं, क्यों? क्योंकि वो चढ़ती कला के हैं। कौन? संगम की लक्ष्मी नारायण। और जो राधा कृष्ण पैदा होंगे सचिव में वो उतरती कला के होंगे या चढ़ती कला के होंगे? वो जब से पैदा होंगे और जब से उनका आपस में कनेक्शन होगा तो वो उतरती कला के दृष्टि से, दृष्टि भी शरीर का अंग है ना, देह का अंग है ना, तो देह का सुख लेने से आत्मा नीचे धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाए। द्वापर युग में तेजी से नीचे उतरती है क्योंकि दृष्टि इंद्रिय है, और सत्युग में धीरे धीरे नीचे उतार होता है क्योंकि आंखें सबसे एक इंद्रिय है, फिर भी उतार तो होता है। तो संगम भी लक्ष्मी नारायण में और सत्य भी लक्ष्मी नारायण में ये खास फर्क है, इसीलिए वो बात समझाने के लिए इस दुनिया में भी एक पौधा ऐसा है जिसको मिसाल दिया गया। मोर का भी मिसाल दिया जाता है, मोर जो है वो भिखारी नहीं बनता है, वैसे इंद्रियों से विकृति नहीं पैदा करता है, वो मोरनी जो है वो मोर के नाचते समय उसका आंसू पी लेती है, क्या तो शेष इंद्रिय से वहाँ यहाँ इस दुनिया में पैदाइश हो सकती है, तो क्या सचिव में शेष इंद्रिय से पैदाइश नहीं हो सकती? हो सकती है। ये है कि आप पांडवों को देश निकाला मिलता है तो उसको पांडव कहे जाते हैं, अगर आपको निकाल के बाहर न करें तो आप पांडव कैसे कहे जाएंगे?
आपको पार्लो बनना है कि नहीं? ज्ञान अच्छा है तो आप कहेंगे निकलो यहाँ से बाहर, इसका मतलब हम पिछले जन्म में राजा थे तो हमने अपनी राजाई से तुमको निकाल बाहर कर दिया, निकलो यहाँ से बाहर। राजा तो बड़े अहंकारी होते तो हमने अहंकार में आकर के तुमको अपने राज्य में से बाहर खदेड़ दिया, तो तुमने अपने आश्रम की चार दीवारी से हमको निकाल के बाहर कर दिया। और आश्रम की चार दीवारी में क्या भीख मांग मांग करके तुमने आश्रम की चार दीवारी बनाई शिव बाबा जी नाम पर, और उससे तो हमें धक्का दे रहे, कोई बात नहीं, हमारे हिसाब से पूरा हो गया, हम तो बड़े खुश हैं। कोई पार्ट नहीं संतो नहीं तो बाबा ने मुरली नहीं बताया हुआ है, थर्ड क्लास है मुरली, कागज की मुरली सुनना और दूसरों को सुनाना, ये है थर्ड क्लास हुआ। बाबा ने तो मुरली बताया है तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास माल लिया करो, सेकंड क्लास माल है टैप रिकॉर्ड से सुनना, अब खुद सेकंड क्लास अब निकल पड़ा टीवी से देखना है, चित्र भी दिखाई पड़ता है, और फर्स्ट क्लास है तो बाबा के मुख से जाए तो बैठ कर भी सुनो, तो हम तो फर्स्ट क्लास मिलता है, हम तुम्हारे कागज मिलते हैं जो पढ़ेंगे हम लोगों को देख के पार्टी के बोलने का मौका ही नहीं देते, एक बार तो हम लोग गए फतेहाबाद तो वो गाने ही गाते रहे घंटा तक, तो हमें देखने गाने ही गाते रहे, फिर उसके बाद हमने मतलब उसके बाद क्या किया कार्टून से किताब निकली है उसमें ब्रह्मा बाबा की दीयों के गाने वगैरह सारी दी हुई है, तो वो पढ़ने लगी उसमें, तो वो बोली कि 1969 को ब्रह्मा बाबा का जन्मदिन बता दिया था, हमारा दिन बोल दिया कि जन्मदिन, तो मैंने बीच में बोला कि बहन जी जरा दोबारा पढ़िए ये 1969 तो 18 जनवरी तो उनका मृत्यु दिवस है, तो बोली आप चुप बैठे रहिए बोलने की कोई जरूरत नहीं, तो ऐसे उसने ये तुम्हारे को बच गया सारी माता है और हमको उल्टी सीधी गाली देने लगी और भाव भाव यहाँ से भाग होकर जैसे सिद्धार्थ जो है और उनको उनकी पिताजी सिद्धार्थ को और विदेश में ढकेल देते हैं, विदेश में ढकेल देते हैं अपने देश से देश निकाला दे देते हैं, तो दुर्योधन महाराज अपने बेटे को तो देश निकाला दे दिया, तो जब वो चीन या जापान देश में गए तो क्या ये देश या ये धर्मखंड पहले से ही स्थापित हो जाता है, अथवा ये सचिव में जब गद्दीवार नारायण प्रत्यक्ष होते हैं तब ये धर्मखंड स्थापन होते हैं? जब बच्चा पैदा होना होता है ना तो चार पांच महीने का जड़पिंड होता है, उसमें आत्मा नहीं होती, पेट क्या होता है जड़पिंड, हाथ पांव हल्के डूबते नहीं है, सिर्फ जड़पिंड तैयार होता है, होता है ना, फिर बाद में उसमें आत्मा प्रवेश करती है, तो ऐसे ही ये जितने भी धर्मखंड है वो पहले तैयार होते हैं, उसमें कोई आत्मा मनुष्य आत्मा प्रवेश नहीं करती, पहले वो जड़खंड जो है वो समुद्र के अंतराल से ऊपर ऊपर आ जाता है, पहले तो सिर्फ भारत ही देश था, वो तो सबका माई बाप है, फिर पहले पहले आता अरब खंड ऊपर, तो इस्लाम धर्म वहां स्थापन, इस्लाम धर्म की इब्राहिम की आत्मा वहां पहुंचती है, ऐसे ही फिर होता है बौद्ध मंदिर स्थापन, तो किंग जापान जो है ये बाद में फिर
समुद्र से ऊपर आते हैं और वर्षों तक ऐसे ही जल धर्म खंड पड़ा रहता है। फिर बाद में वो धर्म पिता की आत्मा वहाँ पहुँचती है और धर्म की स्थापना, वो धर्म खंड पहले से ही तैयार हो जाता है, समुद्र से ऊपर आ जाता है। हाँ जी बाबा अभी बारे में बोला था जो हाँ तो सुनते तो हम भी रहते थे बचपन में, लेकिन मैं ट्रैक्टर चला रहा था आज से 17-18 साल पहले, अब भी चलाता हूँ। तो मैंने वहाँ मोर को और दो चार लोग और भी थे मेरे साथ भी थे दो लोग, तो उन्होंने देखा था जैसे जैसे वो पंछी करते हैं वैसे देखा था मैंने। दूसरे पक्षियों को करते हुए देखा तो वो भी करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं हम तो, अब जैसे मोर देखा हमने अपने खेतों पर जाते हैं तो अब मोर अकेला ही नाचते रहता है काफी दूर तक, अकेले अकेले मोर नाचते हैं, लेकिन उनके साथ जोड़ी वो होती है उनकी, वो कोई पास ही नहीं रहता है अब। ठीक है, इतना परिवर्तन आ गया, पहले झुंड का झुंड रहती थी उनके पास, अब कोई मोर ही उनके पास नहीं जाती। नहीं नहीं, जिस समय नाचता है उस समय वो भाव उनके अंदर नहीं आता है, वो तो ज्ञान काम से है ना। मोर तो भारत में मोर जो है वो वर्ल्ड नेशनल बर्ड माना जाता है कि नहीं है, माना जाता है। अरे कोई कारण होगा नेशनल बर्ड मोर ही क्यों माना जाता है, नीलकंठ क्यों नहीं माना जाता, कोई कारण होगा ना। तो कारण यही है कि आखिरी जन्म में भी जब वो ये मोर पक्षी अभी एक मिसाल बनी हुई है कि मोर जब डांस करेगा तो वो तो स्थूल डांस करता है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो पवित्रता को धारण करने वाली विशेष आत्मा है जिसे कृष्ण का कृष्ण के रूप में दिखाया जाता है, वो मोर पंख करके ऊपर दिखाते हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि वो आत्मा ज्ञान डांस करने वाली। जो ज्ञान डांस जिस समय सुना किया जाएगा उस समय देवहन आएगा, कोई उस समय देवहन नहीं आता, आएगा है? बोलो ना, जब ज्ञान डांस करता है कृष्ण या शिवावत करते हैं कृष्ण का नाम दे दिया जाता है तो उसी को देवहन आता है क्या? उस समय देवहन नहीं आता है, लेकिन बाद में जब अकेले दुखेले होते हैं तो डांस देवहन आता है। तो ऐसे ही जब मोर डांस करता है तो उस समय मोरनी उसके पास नजदीक नहीं आती। और रही तुमने ये तुम्हारी आंखों में देखा तो वो तो तुमने ये देख लिया, जैसे जगन्नाथ के मंदिर में वो चित्र दिखाए गए हैं देवताओं के, गंदे गंदे चित्र दिखाए गए ना है, लेकिन उनकी अंदरूनी हालत क्या है तो तुमने देखी क्या है? वो नहीं देखी। तुमने शिवलिंग देख लिया कि हाँ जलाधारी में रखा हुआ है तो तुमने समझा कि शिव भी ऐसे गंदे असर करता होगा, गंध में रखा होगा, गंध में रखने का कार्य करता होगा, तो हम घंट बजा देते हैं, शिव बाबा जम जाओ, हे पार्वती जम जाओ, हम आ रहे हैं है? ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी आंखों का भ्रम है। जो मोर पक्षी की पूंछ ही इतनी लंबी है कि डांस जिस समय करेगा उस समय तो वो स्टेज ही कुछ दूसरी होती है, और जब डांस नहीं करता है तो पूंछ नीचे होती है। तो जो नीचे पूंछ है, इतनी लंबी पूंछ है, वो ऐसी क्रिया कर ही नहीं सकता। और फिर दूसरी बात, तो यहाँ मुरली सुनते हो ना, मुरली सुनते हो नहीं, डायरेक्ट एडवांस में आए या ब्रह्म कुमारी में से होकर के गुजर के आए? डायरेक्ट आए हैं, ब्रह्म कुमारी में से नहीं आए? ब्रह्म कुमारी में से ज्ञान सुन करके आए कि नहीं? थोड़ा सुना ना, तो ब्रह्मा कुमारियों से जहाँ थोड़ा फाउंडेशन पड़ा है, वहाँ जो मुरली सुनाई है बाबा ने, उस मुरली में ही बाबा ने बोला हुआ है मोर मुरनी के बारे में। कोई बिना फाउंडेशन की बात नहीं बोली जा रही, यहाँ पे जो कुछ सुनाया जाता है मुरली के अनुसार सुनाया जाता है या शास्त्रों की बात सुनाई जाती है? मुरली की बात सुनाई जाती है। तो मुरली में ही जब बाबा ने बता दिया, पहले तो यहाँ लोग जितने बैठे हुए हैं उनका फाउंडेशन मुरली का पक्का होना चाहिए। मुरली हमारी लाठी है, मुरली अगर विश्वास नहीं है तो उस ज्ञान में करने से कोई फायदा नहीं है, फिर वो जो साकार पाठ है वो भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। साकार पाठ बुद्धि में बैठ ही कर सकता है जब मुरली का फाउंडेशन पक्का हो।
तो भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा बोला हुआ है ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ब्रह्मा के ब्रह्म वाक्य झूठे नहीं हो सकते। हो तो ब्रह्म वाक्य वेदों को कहते हैं, वो वेद तो सब मनुष्यों ने लिखे हैं। भाई यहाँ तो ब्रह्मा के मुख से किसने सुनाया? शिव ने सुनाया, वो झूठा नहीं हो सकता। अगर देखा भी है कहीं तो आंखों का भ्रम ये है कि ये इस तरह दे दिया जैसे तो कोई खेल पार कर रहा है। जब दूसरे पक्षी जंगल में खेल पार कर रहे हैं तो मोर भी देखता है कि खेल पार कर रहे हैं, तो क्या देखा तो नहीं बोलते खेल पार नहीं कर सकते? खेल पार कर सकते हैं लेकिन वो अंदरूनी क्रिया को उनकी वो होती नहीं है। अष्टदेव जो है वो अष्टदेवों को इसलिए कंट्रोल करते हैं कि वहाँ जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं वो आधारभूतों को कंट्रोल करती है, जिनमें प्रवेश करते हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं ना। और आधारभूतों को जो जन्म देने वाले बीज है, जो जन्म देने वाले बीज है उनके कंट्रोल में वो आधारभूत नहीं आते। जैसे सिद्धार्थ में महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया तो सिद्धार्थ क्या सुद्धोधन राजा के कंट्रोल में आया? नहीं आया। भले तुम निकाल दो तो निकाल लो निकल गए, लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं था। उसे जो कुछ बोलना है, जो कुछ कहना है, जो कुछ करना है सो किया, कंट्रोल में नहीं गए ना। तो वो तो भी आसुरी शक्ति, और यहाँ कौन सी शक्ति हो रही? ईश्वरी शक्ति हो रही। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा या भाई वही क्रम चलता रहेगा? नहीं कौन रहा है अष्टदेव है बीज रूप आत्मा है, जो पहली पहली बीज है बाप के बच्चे। हाँ, और वो बाद वाले बीज है, पहले बाद वालों ने उनको कंट्रोल किया है, अब ये कंट्रोल होने वाले नहीं है अष्टदेव। इसलिए कहते हैं कि जो देवताएं होते हैं उनमें अपनी पावर नहीं होती, वो असुरों से अपनी पावर से जीत नहीं पा सकते, असुर पावरफुल हो जाते हैं और देवताएं कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान देवताओं को मिलता है तो देवताएं पावरफुल हो जाते हैं और असुर उनका कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी अभी अष्टदेवों को भगवान मिलता है तो उनकी पावर जाती हो जाती है, फिर वो राजी उसी से, और वो असुर पहचान ही नहीं पाते भगवान के रूप को, इसलिए वो राज्यों की उतनी पावर ले नहीं पाते, इसलिए कमजोर हो जाते हैं। तो संघ में वो उल्टा हो जाता है। तो बाबा की डायरेक्ट बोलने नहीं मिलती है कैसे? क्यों पढ़ देते हो तो खड़ का समान बताया बाबा ने मुझे, जो कारक के पत्ते से सुना और दूसरों को सुनाया क्या वो है खड़ का। इसलिए सेकंड क्लास आज तक ट्रेन में भी खड़ क्लास खत्म कर दिया गया, कितने साल हो गए, अभी दो ही क्लास है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, अभी हो गया एक ही कान में वो लगा लो क्या ईयरफोन, अब चुप क्या सुनते रहो, कोई नहीं सुन रहा है तो माताएं तो कुछ क्या करने में होशियार होती है, थोड़ा पैसा बचा लिया और बचा के अपना मंगा लिया, कोई कहे तो कहाँ से लाए, अरे हमको हमारी बहन जी ने दिया सुनने का। आप सुन नहीं करो क्या पति जो कमाई कमाता है ना उस पति की कमाई में आ रहा है तुम्हारा है, लेकिन अगर पति तुमको कुछ भी नहीं देता तो कम से कम अच्छा नहीं कुछ होता कोई बात नहीं।
आप नहीं पूछ रहे हो, तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो आगे चलकर की ये सब हमारे स्टूडेंट बन करके बैठने वाले, हम तंदरी पर बैठे हम इनको पढ़ाई पढ़ेंगे, लेकिन हाँ बोल दे, आप अंदर से खुशी नहीं है ये अष्टदेव, ये पहला जो बारह का सूर्यवंशी ग्रुप है, क्या अष्टदेव इन बारह में से ही है? अच्छा, फिर चार का स्थान कहाँ पर है? वो पिता अष्टदेव के नाम से कोई भी धर्म पिता आता है, धर्म पिता बन करके तो तीनों कार्य करता है ना, तीनों कार्य करता है, तो बाबा तो तीनों कार्य पहले पहले करता है, और कौन से तीन कार्य? स्थापना, पालना, पालना भैया। तो जो दो कार्य है वो तो सबको ही अच्छा समझता है, कौन से दो कार्य? स्थापना पालना तो सबको ही अच्छा समझता है, और बिना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि विनाश होता है इम्प्योरिटी से, विनाश इम्प्योरिटी से होता है, और स्थापना पालना अवस्था से होती है। स्थापना पालना करने वाले जो चार और चार आठ है वो अष्टदेव है, और बाकी जो चार है वो जरूर अष्टदेव देते हैं, उनका काम होगा वो यदि के आद में जैसे भावना बोला कि एक ही ट्रेन चलेगी अंत में, तो उसमें सबसे पहले जो निकलने वाले होंगे तो सूर्यवंशी निकल जाएंगे, तो आज में भी चली थी, हाँ अंत में भी चलेगी वो, आज में चली थी कि नहीं चली थी, चली थी अंत में चलेगी, लेकिन सूर्यवंशी उसमें निकलने वाले निकल जाएंगे, जो निकलने वाले होंगे जो अंत में रह जाएंगे वो कैसे पहुँचेगा, उनको क्या निकल जाएंगे, उनको काल आएगा, तो वो जो थोक देते अपना रह जाएंगे और धर्मों के बीज रूप, वो कैसे फिर पहुँचेंगे, नंबर बनेंगे फिर, यानी नंबर बनेंगे नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, दूसरे धर्म की माला है जो बनती है, और दूसरे धर्म के जो बीज है वो माला में आते हैं या नहीं आते हैं, तो वो बाद में पहुँचेंगे, तो उस समय ट्रेन खत्म नहीं होगी, फिर बाद में चालू हो जाएगी किसी न किसी साधन से, चालू हो जाएगी, यानी जब सब नष्ट हो जाएंगे तो फिर भी आत्मा कैसे पहुँचेगी, फिर मानता हूँ, अरे पहले पहली स्थापना की बात की जाती है कि दूसरी स्थापना की बात की जाती है, संक्षेप की जो घोषणा की नई दुनिया बनेगी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो पहले जिन आत्माओं के लिए बोला गया उनके लिए बोला गया, सबके लिए बोला गया, टू लेट का बोर्ड किसके लिए लगा, के बाबा जैसे दिखाते हैं मंथन हुआ तो मध्यदाचल पर्वत कछुए पे दिखाते हैं जरा हुआ, और रक्त से नाक की उससे करते हैं, तो वो कछुआ कौन है? अरे कछुआ भी नहीं जान पाया, कछुआ जो है वो अपने इंद्रियों को समेट के बैठ जाता है, लोग ये समझते हैं ये तो बड़ा जोगी है क्या, लेकिन ये है पानी का जानवर, क्या मुझे बोला है रामकृष्ण जो है वो है रामकृष्ण जो है वो है धरणी का आधार लेकर के चलने वाले ज्ञान में, क्या वो जल का आधार लेकर भी नहीं चलते हैं, और जो दूसरे अवतार है भगवान बन के बैठते हैं वो जल का आधार लेकर के रहते हैं, जैसे कछुआ है मगरमच्छ है, इसे जल का आधार लेते हैं, तो जो जल का आधार लेते हैं वो सब है आखिरी भगवान, फिर वो हम बन के बैठने वाले, और जो धरणी का आधार लेते हैं धरणी माने कन्या बंधन, कन्या माताओं के आधार पर चलते हैं ज्ञान में, कन्या माताएं हैं तो ज्ञान में ठीक चलेंगे, कन्या माताओं का आधार अगर हिल जाए तो उन्हें ज्ञान में चलना पसंद नहीं, माना
यत्र नारियों की पूजनते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है मान्यता होती है वहाँ देवता धर्म बनता है, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती मान्यता नहीं होती वहाँ देवता धर्म नहीं क्या बनता है, राक्षसी धर्म बनता है। तो रामकृष्ण की आत्माएं जो है वो कन्या माताओं को विशेष महत्व देने वाली, उनके आधार पर चलने वाली है ज्ञानी, और दूसरे जो जो है वो माताओं कन्याओं को आधार नहीं मानते, किसको मानते हैं आधार, ज्ञान जल को आधार। तो ज्ञान जल को आधार मानने वाला जो है वो है आर्य समाज, आर्य समाज लास्ट वाला नारायण है ना, तो जो लास्ट वाला नारायण है उसमें ये चित्त है कि वो इंद्रिया समेत के बैठ जाएगा कछुल की तरह। अब राम वाली आत्मा कितने भी उसके ऊपर डंडे मारती रहती वो अपने हाथ पांव बाहर नहीं निकालेगा, आंखें बाहर नहीं निकालेगा, जवाब कुछ भी नहीं देगा, सब डंडे सहन कर जाएगा। तो उसको कहते हैं कछुआ, कच्चा अवतार है, उस कच्चा अवतार के ऊपर सारा सतयुग खड़ा हुआ, सतयुग का ठाट किसके ऊपर खड़ा हुआ, वो कच्चा अवतार के ऊपर खड़ा हुआ। कम करो जो भी नारायण है वो सब उसके ऊपर उत्तर उत्तर होते हैं। तो कछुआ हो गया राधा। बाबा जो माता के द्वारा फाउंडेशन पड़ा था भक्ति मार्ग का यज्ञ के याद में, सुनने सुनाने का, और बाप के द्वारा बीज बोने का, तो चारे आत्मा तो जय हो गई, और जो कहते हैं पांच आत्मा बाबा और सुनी थी बाबा ने दूसरे दूसरे धर्मों की बीज रूप आत्मा, पांच का मतलब क्या मतलब, नौ आत्मा जो नौ ग्रहों के रूप में बताते हैं, आज भी चैतन्य आत्मा के रूप में उनकी पूजा हुई है। अच्छा, तो वो चैतन्य आत्मा तो कैसे वो बताना, ग्रह तो एक सूर्य हुआ जिसे वृक्षपति के रूप में दिखाते हैं, जो मुख्य ग्रह है वो वृक्षपति, ज्ञान सूर्य तो वास्तव में शिव है, और उसके बाद जो है वो चंद्रमा पृथ्वी, तो चंद्रमा तो ज्ञान चंद्रमा मालूम है कौन है, कौन है ज्ञान चंद्रमा, ज्यादा लेख रहा है किया आत्मा, और पृथ्वी कौन है, जो भी कन्याएं होती है जब तक माता नहीं बनती है तब तक चौड़ी चकड़ी नहीं होती, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं वैसे ही चौड़ी और चकड़ी होती जाती है। पृथ्वी माता का भी यही हाल है, ये पृथ्वी माता जो है पहले सिर्फ भारत देश भारत खंड था, क्या बाद में जैसे जैसे दूसरे धर्म खंड आते जाते हैं वैसे ही पृथ्वी माता चौड़ी चकड़ी होती है। हनुमान जी ने सूरज मुख में वो जो कृष्ण वाली आत्मा है ना यज्ञ की आदि में, वो दादा लेखराज ठीक नहीं, तो दादा लेखराज ने प्रजापिता को नाम निशान घूम कर दिया कि नहीं चला गया, मुंह रख लिया गीत बना दिया उन्होंने, बार समय भक्तियों सब तीनों लोग भयो होने आ रहे, बार समय माने वो ज्ञान सूरी का बालपन का स्वरूप था, कौन सा ये उनके आदि वो बालपन का ज्ञान सूर्य था, इसलिए ज्यादा उसे तीखी रोशनी तीखी रोशनी नहीं होती है, इसलिए वो हनुमान जी ने उसको क्या किया अपने मुंह में खा लिया रख लिया उस समय तो रख लिया, लेकिन अब सूर्य तो सूर्य है, फिर अंदर से जब ज्यादा प्रचंड रूप धारण करेगा तो अंदर तो क्या हुआ, एक फट गया रह गया फट गया बाहर निकल पड़ा। हनुमान तो मतलब बुराइयों का हनन करने वाला, तो प्रजापिता को क्या कर दिया है, हाँ वो बुराइयों का हनन जो करने वाला है वो अकेला करता है या बच्चे को साथ लेके करता है, बच्चा उसको तैयार करेगा पढ़ाई नहीं पढ़ा के, अभी तो उसकी पढ़ाई नहीं पूरी हो रही है, एक बात ही उसकी समझ में नहीं आ रहा है, गीता तो भगवान मैं नहीं हूँ शिव बाबा, जो एक तो होती है सूर्य गीता और एक होती है चैतन्य गीता, चैतन्य गीता में भी दो गीता हुए जिसमें एक पर तो
मतलब एक गीता कृष्ण की छाप पड़ती है वो स्टील गीता हो गई, जो दो गीता बताएंगे उसमें मतलब जगदम्बा कमल गिरंती है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? तो जगदम्बा बनना लक्ष्य है जीवन का क्या? जगदम्बा तो राक्षसों की भी अम्बा है, तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए जगदम्बा बनना? नहीं, वो जो राक्षसों की अम्बा है बनाएगी कि नहीं? जब राक्षसों की दुनिया बनाएगी तो नरक बनेगा या स्वर्ग बनेगा? जो ये की आज मैं पहले ही बता दिया वो है भक्ति मार्ग की गीता, सुनने और सुनाने का फाउंडेशन डालने वाली, और वो है वो सुना सुनाया बहुत कम लेकिन धारण ज्यादा कभी है। तो वही जो दो गीताएं थी आज में, एक के ऊपर कृष्ण की छाप पड़ती है और एक के ऊपर भोलेनाथ की छाप ज्यादा पड़ती है, लेकिन वो दोनों गीताएं जो थी दोनों माताएं थी यज्ञ की याद में तो थी, उसने अपने अंदर रखा, बाहर बात को बाहर खुद धारणा कर ली कि असलियत ये है, लेकिन ये भी को छोड़ा नहीं उस समय। बाद में जब वो रामा जी आत्मा छोड़ गई तो वो आत्मा भी और जगदम्बा अर्ध तक सहयोग देती रही जब तक के वो मॉडल तैयार नहीं हो गया। क्या स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ कराची में? तो जो कराची में स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ वो असली स्वर्ग था या डुप्लीकेट स्वर्ग था? कौन सा स्वर्ग था? अरे वो डुप्लीकेट स्वर्ग था, ये असली स्वर्ग स्थापन हुआ है, डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन हुआ है। तो डुप्लीकेट जो स्वर्ग स्थापन होता है वो कृष्ण की गीता से होता है। आज की दुनिया में जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मेहरबानियां अटारियां विदेशों में दिखाई पड़ रही है, चारों तरफ क्या क्या कथाएं दिखाई पड़ रही है, ये क्या है? ये डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन हुआ पड़ा है राक्षसों की दुनिया में, लेकिन ये असली स्वर्ग नहीं है, अंदर महल भरा पड़ा है। ईर्ष्या देश हसद काम क्रोध लोग वो अहंकार की अति भरी पड़ी, तो उसको स्वर्ग नहीं कहेंगे, लेकिन असली स्वर्ग अभी स्थापन होने वाला है। जब स्थापन होगा तो सच्ची गीता भी सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, जिसके ऊपर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप पड़ी हुई। और बाबा ये गहन बतावत है, गहन पास है जाना पे गहन बतावत है चंद्रमा का जो ग्रहण पड़ता है, जो ग्रहण पड़ता है तो पूछना क्या चाहते हैं आप? पता है सर, कहते हैं कि सूर्य के ऊपर ग्रहण पड़ता है, लेकिन सूर्य तो आपका गोला है, सूर्य जो है वो आपका गोला है, वो अंधेरे में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। वास्तव में सूर्य एक तरफ है चांद क्या, और बीच में चंद्रमा आ जाता है और पृथ्वी एक तरफ होती है, तो पृथ्वीवासी जो है उनको चंद्रमा बीच में आ जाने के कारण जहाँ छाया पड़ती है चंद्रमा की उनको दिखाई नहीं पड़ता सूर्य, खुद को दिखाई नहीं पड़ता है, कहते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया। ऐसे ही ये यहाँ की हालत है, जो राम वाली आत्मा है उसको समझते हैं ये विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, ज्ञान सूर्य वाली आत्मा हुई, लेकिन खुद अज्ञान अंधेरे में पड़े हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं कि प्योरिटी क्या चीज होती है। इसलिए कहते हैं सूर्य को ग्रहण लगा, चंद्रमा को तो ग्रहण लगता है सच्चाई में, लेकिन सूर्य को ग्रहण नहीं लगता। चंद्रमा को ग्रहण कब लगता है मालूम है? सूर्य एक तरफ, पृथ्वी बीच में और चंद्रमा एक तरफ, तो सूर्य का जो पृथ्वी के ऊपर प्रकाश पड़ता है वो चंद्रमा के ऊपर अंधेरा डाल देता है क्या? तो चंद्रमा के ऊपर अंधेरा आया ना, तो चंद्रमा अंधेरे में आ गया, बाकी सूर्य कभी अंधेरे में नहीं आता। ऐसे ही है क्या चंद्रमा की बात है बाबा? हाँ, बेसिक वाले हम उनको बुलाते हैं दोबारा कि बेसिक वाले दोबारा हमें बुलाते हैं कि आओ और हमारी मुरली सुनो। माउंट आबू छपी मुरली का वो पत्ता ले जाओ जिसे बाबा ने बताया है
के जो कागज की मुरली सुनते सुनाते हैं वो थर्ड क्लास, और टैप रिकॉर्डर में जो सुनाते हैं वो सेकंड क्लास, और सन्मुख मुख से सुनते हैं वो है फर्स्ट क्लास। वो मुरली उनको सुनाओ। मगर तुम ब्रह्मा को माँ बताती हो, तुम्हारी माँ ने आपको पहले किया है। एक बात को जवाब तो दे दो उनको, उनको देखो मुरली में क्या लिखा है, बहन जी आप बताओ। तो वो समझा नहीं पाती है। समझा क्यों नहीं पाती, उनको बताओ तुम थर्ड क्लास मुरली पढ़ रहे हो, मुरली के पत्ते पढ़ रहे हैं, कागज के पत्ते, ये थर्ड क्लास है। और हमको तो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास मान लेता है, सन्मुख मुरली मिल रही है, तो हम तुम्हारे ये थर्ड क्लास क्यों मान लेंगे। अभी तो थर्ड क्लास ट्रेन में भी खत्म कर दी है। कैसे हो, जब तुम्हारी माँ ने आना बंद नहीं किया है तो तुम क्यों बंद कर रही हो, तुम आती जाती माँ से बनता थोड़ी मिलता है, बाप से मिलता है, बाप से मिलता है, माँ भी तो बनते के वो बाप के मस्तक में चले जाते हैं। जहाँ माँ जाती है तो वहाँ बच्चे भी चले जाते हैं। तो तुम्हारा माँ ज्ञान चंद्रमा शंकर के मस्तक में विराजमान है ना, वो तो वहाँ जाती है, विराजमान कैसे। बाबा हमको नहीं जाना चाहिए ना, कहाँ बेसिक में, लेकिन वो बुलाते हैं तो जाओ, जाओगे तो कुछ ना कुछ सुना होगे। सेवा जाने लौकिक ज्ञान में आए थे, लौकिक ज्ञान में, लौकिक से जब अलौकिक में बीके में आए थे तो क्या आपने परिवार वालों को छोड़ दिया था? नहीं, नहीं छोड़ा था ना, तो अब यहाँ अलौकिक परिवार वालों को छोड़ दें। अगर वो बुलाते हैं तो बड़ा आदमी समझ के बुलाते होंगे, छोटे आदमी को तो कभी बुलाते ही क्या, तो बड़ा आदमी समझ के बुलाते हैं तो तुम समझ जाओ ये पैसे वैसे के चक्कर में बुला रहे हो, अंदर से समझ लो ये हमको मुंह देने के चक्कर में। तुम इसलिए जाओ कि हम दो चार आत्मा निकाल लेंगे, दो चार हीरे इनके उठा के दे आएंगे, वो अपनी चेहरा की दिखाए तो अपनी चेहरा की दिखाओ, जाओ लेकिन सेवा भी करते रहो। लेकिन जब उनको पता चल जाएगा कि हमारे दो चार स्टूडेंट में उन्होंने तोड़ लिया तो फिर गेट आउट जरूर करो। फिर भाग आएंगे एक दो का तो कल्याण। हां जी उस दिन गए थे ना तो कह रहे थे कि थोड़ी सेवा करने के बाद हमें आया है, तो उन्होंने मुरली की गई तो मुरली सुनाओ, तो वो गांव में मुरली में बाबा कोई बात सब वही कर दिया। हमने उन्हें भेजा दिया, हमने नहीं नहीं तुम प्रजापिता को ही ब्रह्मा को कहते हैं, प्रजापिता को ही अलग नहीं है, हमने समझाया तो हाँ कह रही हो चलो किसी दिन बाद में समझाना। मानो उनका ठीक है ना, उसके सामने हमको बेइज्जती मत करो, हमको अकेले गुरु देवान तो बहुत होता है, और सबके सामने उनको समझाओ तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, सबके सामने ना बेइज्जती करो। बाबा ये मुरली में गाने की क्या मना की है, मुरली में जो गाने चलाते हैं शुरुआत में उसकी आपने मना की है मुरलियों में। क्यों बाबा ने ये कहा है, ये टैप रिकॉर्डर बहुत अच्छी चीज है, ये टैप रिकॉर्डर बहुत अच्छी चीज है, कितनी अच्छी चीज है, इसलिए बताया, इसलिए बताया ये बाप की वाणी एक्यूरेट सुनाता है, क्या एक्यूरेट वाणी सुनाएगा, तो इसलिए हर बच्चे को अपने पास वो टैप रिकॉर्डर रखना चाहिए। लेकिन किस लिए रखना चाहिए, बाबा की वाणी सुनने के लिए, किसी मुरली ने ये कहा कि गीत गाने के लिए टैप रिकॉर्डर रखना चाहिए, ये नहीं कहा। हाँ ये कहा कभी अवस्था खराब होती है, तो तुम्हारी अवस्था खराब होती होगी तो अपने गीत बजाते रहा करो, दबा 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 एडवांस आने के बाद अवस्था क्यों खराब हो, एडवांस में आने के बाद अवस्था एडवांस रहनी चाहिए या खराब होनी चाहिए, एडवांस रहनी चाहिए है, कर लो भी वो है ही मौजू का यू या खराब अवस्था होने का ही मौजू का युग है, सड़क की शूटिंग करने का युग खराब होती रहती है क्या, नहीं खराब होती, किसी चीज के याद आते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि बिना सामने खड़ा है दुनिया को समझाते हैं ना, क्या समझाते हैं, महाभारी महाभारत युद्ध है सामने खड़ा हुआ है, खून खराबा होने वाला है, अब दूसरी तरह ढोल मजीरा बजाते रहते तो लोगों को समझ में आएगा कि एक तरफ तो भी कहते हैं बिना सामने खड़ा है, अब दूसरी तरफ ये जान मजीरा और ढोल मजीरा बजाने में और गीत गाने में और डांस करने में लगे हुए तो उनको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। तो दुनिया वालों को विश्वास पैदा करना है या अविश्वास ही बनाना है, विश्वास पैदा करना चाहिए तो गीत गाना चाहिए कि नहीं, अरे गाना ही है तो कान में लगा लो और गीत को सुनते रहो अंदर में। आपने के माउंट आबू जो महल वगैरह बन रहे हैं वो हम लोग हम बच्चों के लिए बन रहे हैं जिनको दोनों ज्ञान मिल गए हैं,
जिनको दोनों माँ और बाप का दोनों का ज्ञान मिल गया है उन लोगों के लिए भवन बन रहे हैं माउंट आबू में। तो हम लोग जैसे लास्ट में जाएंगे तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे फिर? दुकान तो प्यार उसको माते तुम्हारी आ गया दो साल दो साल हो गए पाँच छः साल पाँच छः साल तो तुम अभय तवानी नहीं छोड़ते हो लगता है। अभय तवानी में बोला हुआ है मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, आग नहीं लगाने देंगे। इतनी इमरजेंसी होगी जैसे वारंट निकलता है, किसी को वारंट निकलता है तो वो अपने सामान वामन संभालता है, बकरा होता है बकरा होता है बाबा। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारा मामला जाएगा, तुम केस को बड़े कोर्ट में ले जाएंगे, तो जब बड़े कोर्ट में ले जाएंगे और सच्चाई बाहर निकलेगी तब क्या हाल होगा? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा और ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ा, वो तो छोड़कर पहले ही भाग जाएंगे चोर चकार। तो जैसे चोर डकैत होते हैं ना किसी के घर पर रात में जाके कब्जा करके बैठ जाते हैं, चोर चकार जो माउंट आबू जाके कब्जा करके बैठी है वो तो हमारे आबू अब्बा का घर है। जब टाइम आएगा आप खड़े होंगे उन्होंने अपने जहाँ जहाँ धर्मखंड अपने कारोबार तो बनाए होंगे भेड़ बकरियों के देश चले जाएंगे बिना किसी धर्मखंड। जो बाप की ग्लानी कराने वाले हैं, जो बाप की ग्लानी कराने वाले हैं, ज्ञान के विपरीत चलने वाले हैं, उनके लिए मुलिम क्या बोला है? सदगुरु निंदा ठाव न पावे, तो माउंट आबू उनको ठाव मिलेगा बिना के टाइम पर नहीं मिलेगा। वो कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले, कितनी भी बड़ी बड़ी मेहरबानियां अटारियां बनाते चले जाए, अपने नाम रजिस्ट्रेशन करा ले ब्रह्म कुमारी, लेकिन जब टाइम आएगा तो उनको एक दो तीन होना पड़ेगा। इस भाई को ना ब्रह्म कुमारी की ज्यादा चिंता होती है, वो जाएंगे क्या? इसलिए लगाओ ज्यादा आया भी ब्रह्म कुमारी में थोड़ा लगाव डला हुआ होता है, आपने बोला कि जैसे बेसिक वालों की अभी क्या अवस्था है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा होता है, उनकी अभी समय प्रधान अवस्था है, तो एडवांस वालों की भी समय प्रधान अवस्था होती है, जब अभी एडवांस वालों की समय प्रधान अवस्था चल रही है, क्योंकि जो शुरुआत का जो पीरियड होता है कम चल रही है, अभी तो बेसिक वालों में जितना रौरव नरक नहीं बना है उससे जाति रौरव नगर नरक जो है एडवांस वाले बनाएंगे। तो बाबा आपने कहा जब समूह प्रधान अवस्था होगी तो एकदम पूरी तरह दुर्गति होगी, दुर्गति के बाद फिर सदगति होगी, तो फिर दुर्गति मतलब किस तरह आदमी जब मरता है तो घावड़े आते कि नहीं हुई कि नहीं कदती उसे कहेंगे कि आराम इच्छा बची हो इच्छा की और शरीर छोड़ दिया, तो जो दुर्गति होती है तब ही दुर्गति होती है, जब तक कोई चीज नीचे नहीं जाएगी तब तक उछल के ऊपर भी नहीं आएगी, जितना नीचे जाएगी उतना ऊपर भी आएगी, तो दुर्गति और सदगति सुख और दुख ये तो चलता ही रहता है और ये चलना ही है, तो दुर्गति होगी लेकिन दुर्गति के साथ फिर सदगति भी जुड़ी हुई है। एक सेकंड में ब्रह्मा तो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। जब एक सेकंड में ब्रह्मा तो विष्णु बन सकता है तो ब्राह्मण एक सेकंड में ब्रह्मा तो विष्णु जैसे नहीं बन सकते, वो भी बनेंगे। तो बाबा जैसे जैसे वो हमारी दुर्गति होगी माना शरीर करते जा रहे हैं और आत्मा पावरफुल होती जाती है, तो शरीर में ढेर सारी भले बीमारियां आती रहे लेकिन आत्मा में इतनी पावर को पावर भरी हुई हो कि हमें जो काम करना है तो हम कर लेंगे। और मान्यता भी आ सकता है जो आत्मा निकल जाती है शरीर पड़ा रह जाता है, तो मतलब इंसान बोलते हैं तो आत्मा भरी रहती है वहीं पर तुरंत ही मतलब जन्म ले लेती है। मुरली ने क्या बोला है? मुरली में तो बोला आत्मा शरीर छोड़ती है और धक्त से जाके गर्भ में प्रवेश कर जाती है। आपने जो बोला था जो फिल्म बनता है खेल के अंदर
हमने क्या बोला है, वो भी बात है जिन्होंने बच्चा पैदा किया उनसे पूछ लो, बात कर लो उनसे, तीन चार महीने तक उनको कुछ अनुभव होता है क्या? भारी पर अनुभव होगा लेकिन हरकत नहीं होती है, हरकत नहीं होती है, आत्मा होती नहीं तो हरकत कहाँ से होगी? निकले अभी जो निकले ज्ञान में निकले वो नहीं बाबा ने कहा तो जोड़े हैं वो सत्यु में नहीं रहेंगे, नहीं सत्यु नहीं अब तो नहीं रहेंगे तो मतलब ये एक धर्म नहीं है, हो भी सकते हैं कोई और नहीं भी हो सकते, आगे जन्म में तो सब बदल जाता है क्या, जब प्रजापिता का ही बदल जाता है, प्रजापिता को जगदम्बा मिलती है, सत्यु भी नहीं मिलती, और ब्रह्मा बाबा को यशोदा माता मिलती है, जो कुछ भी जिनके कुछ में ज्ञान बैठता ही नहीं था, अब सरस्वती को संगीत साथी बनाना पड़ा तो बदल गया ना, जो भी नई दुनिया बनेगी उस नई दुनिया में सब बदल जाएगा। जो आज मतलब आपने जो धर्म सिखा है, जो धर्म सिखा है जैसे इब्राहिम बौद्ध त्रास वगैरह, तो अभी तो इनको तो संदेश ही नहीं मिला है, तो जब इनको संदेश मिलेगा क्या ये धर्म का जितने भी है जो द्वापर युग में अपने धर्म की स्थापना करते हैं तो शरीर छोड़ करके बीज रूप आत्मा में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ेंगे या कैसे उनको संदेश मिलेगा? उन्हें बीज रूप आत्मा प्रवेश करके पढ़ाई पढ़वाने के लिए जबरदस्ती करेंगे, बीज रूप आत्मा उनमें प्रवेश करेंगे, तो ये मतलब अपना आपका कोटिंग जो अर्थ देव है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे या धर्म से कहीं ज्यादा पावरफुल होंगे? बीज रूप आत्मा ज्यादा पावरफुल, अर्थदेव ज्यादा पावरफुल होंगे, उनको पढ़ाई पढ़वाएंगे। हाँ जी, फ्री शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ने के बाद फिर क्या बाप के पास आएंगे? एक बार माथा झुकाने के लिए जरूर आना पड़े, एक बार वो आएंगे तब तो उनकी फॉलोअर्स प्रजा भी आएगी, वो फॉलोअर्स प्रजा जो करोड़ों की तादाद में है, क्राइस्ट की प्रजा 150 करोड़ के लगभग ऊपर है, तो सारी प्रजा कैसे झुकेगी? जब उनका झुकेगा तो उनकी प्रजा भी झुकेगी, वो आएंगे तो उनकी प्रजा भी झुकेगी, एक बात को याद करेगी। तो आपसे बाबा कर्मों को मिलेगी वो प्रजा? उनके कर्मों को मिलेगा एक अलग बात होती है, आपस में बात नहीं करनी है, सन्मुख मिलना दो तरह से होता है, एक होता है स्थूल मुख के सन्मुख मिल रहे हैं और एक होता है मुख के सन्मुख नहीं मिल रहे हैं लेकिन अंदर से सन्मुख हो गए विमुख नहीं है, क्या उनको ऐसे होते हैं सामने बैठे होते हैं सन्मुख मिल रहे हैं सुन रहे हैं बात कर रहे हैं लेकिन अंदर से गंध भरा हुआ है, बाहर निकलेंगे तो विरोध करने लग पड़ेंगे, तो सन्मुख हुए या विमुख हुए? तो विमुख हुए, तो ऐसे ही जो धर्म सिखाओं के फॉलोअर्स हैं वो अंदर से सन्मुख हो जाएंगे। शरीर से आप ही शरीर से मिल जाए देवता कौन बनेगा? आपकी कोई तो खासियत होनी चाहिए, वो धर्म प्रदान करेंगे अपने रक्त से नहीं मिलेंगे, वो धर्म प्रदान अपने रक्त से नहीं मिलेंगे, एक बार आएंगे लेकिन मन के अंदर से विमुख रहेंगे, बात कुछ बैठेगी नहीं, वंडरफुल जैसे गीता में वो संस्कृता में लिखा ना आश्चर्य बस 25 खर्च देना देख तो है कम से कम, जो कमाल हम नहीं करके दिखा सके है, वो हम तो सर स्थापन नहीं कर सके इस दुनिया में, अब इन्होंने तो दुनिया में पैराडाइज स्थापन कर दिया, जन्नत बना दी, आठ मंडल तो मनुष्य को बनाए हुए हैं और आठवां मंडल
गर्भ का बंधन बाप आकर के बनाते हैं, तो ऐसे बाप को देखना तो जाती कम से कम देखने का भाव होगा। यहाँ भी तो ऐसे बहुत से आते हैं भगत, आते कि नहीं? उनसे कहो तुम बाप के घर में जाके पहले पैदा हो, है 9 महीने जैसे बच्चा पकता है गर्भ में, ऐसे ही 9 दिन वहाँ जाकर भट्टी में पको बाप के घर में जाके, तब तो बाप के बच्चे बनोगे? सो नहीं जाए देख ले जाके, तो भगत हो गए ना दर्शन करने वाले। कितनी एकाग्रता होगी मनुष्य को याद में आ जाते, मनुष्य अगर एक जगह एक घंटे एकाग्र बनी रहे क्या प्रवेश करने की पावर होगी कि नहीं? एक घंटे में तो बुद्धि को क्या से क्या बना दिया जाए। बाबा जो बाबा चल रहे हैं कागज सुनो, अरे जो बाबा साथ में रहेगा अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बात नहीं, बे माना ब्रह्म अलग माना प्रजापिता, तो उसको अल्लाह मिल गया उसको क्या परवाह दुनिया की, मिले मिले ना मिले परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं क्या? ज्यादा बुद्धि कितनी होती है पुरुषों में होती है कि कन्या माता होती? ज्यादा बुद्धि कितनी होती है पुरुषों बुद्धि ज्यादा होती है, ज्ञान ज्यादा गहराई से समझ लेते हैं पकड़ लेते हैं, और कन्या माता है भाइयों में ज्यादा श्रद्धा विश्वास होता है, कन्या माता माता में ज्यादा श्रद्धा विश्वास होता है, इसलिए उनको हिलाना आसान होता है। जुड़ी सी बात सुनाई और सुना के उनको देखो जाइए बेसिन किसी अच्छी अच्छी माताएं हैं, ज्ञानी माताएं हैं, ज्ञान सुनाने वाली हैं, लेकिन तो उनको ज्ञान सुनाओ ना कि वो बिल्कुल नहीं सुन तो अंधश्रद्धा वाली हो नहीं बन के कर लेते हैं उनको मोड़ लेते हैं ऐसे ही है। बाबा अभी जो मुरली चली थी तो उसमें आपने बोला कि गरीबों के घर में मच्छर और मक्खी बहुत होते हैं, उन्हें आपके घर में देखने को नहीं मिलते और एक्यूरेट ड्रामा बना बनाया है, तो 5,000 बचवा फिर हमारी फिर यही स्थिति फिर हो जाएगी जैसे हम अभी किनारे प्लास्टिक के तंबू डाल करके हम मक्खी मच्छर पलेगी ऐसी स्थिति हो जाएगी। मतलब बाबा के बच्चों में भी हर तरह के है, कोई पुरुषार्थ करने वाले भी है, कोई फोर्थ क्लास खुर्जा का पुरुषार्थ करने वाले है क्या? लेकिन बाबा ने कहा बाबा के बच्चों में से ऐसा एक भी नहीं है जिसको भीख मांगनी पड़े चलकर रोटी की पेट भरने के लिए क्या? भले प्रजापति भी आत्माएं होंगी तो भी बाबा के बच्चे पेट में कमाई करने के लिए सशक्त होंगे, वो कोई के सामने भीख नहीं मांगेंगे, फिर भी कुछ न कुछ अपने पैरों खड़े। तो आखिरी जन्म में भी कोई ना कोई बच्चे हैं जो ऐसे बच्चे हैं जो सूर्यवंश में भी आएंगे, वहां भी साहूकार बनेंगे फर्स्ट क्लास, और इस आखिरी जन्म में भी बाप की जो अवस्था है रोडपति बनने की गली गली डोलने की जो संजयंत्र में थी क्या बैगर टू प्रिंस, वो बैगर प्रिंस बैगर टू प्रिंस बनने वाले तो उनकी बड़ी अवस्था हो समाज में ज्यादा रिस्पेक्ट दी होगी क्योंकि उन्होंने बाप को प्रैक्टिकल में सहयोग दिया। बाप कैसा बाप है? अवगण वरदानी क्या है? उनके लिए गीत गाए हुए हैं, है खुद कहा रहते हैं और बच्चों को क्या देते हैं? सब कुछ देते हैं। और मैं डेली मेरी सुनता हूँ, डेली
सवेरा योग करता हूँ तो मेरी बुद्धि गृति चली जा रही है। मुरली डेली रेगुलर सुनता हूँ और रेगुलर डेली योग करता हूँ सुबह 3 बजे से बुद्धि गृति चली जा रही है। नीचे क्या होता है कुछ अरे बाप के वारसदार भी है, बाप के प्रजा भी है, और बाप के दास दासी भी है बनने वाले, और बाप के चंडाल बनने वाले बच्चे भी हैं। तो जो फोर्थ क्लास प्रजा होगी उसकी संख्या कम होगी ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना। तो जो ज्यादा संख्या होगी, 9 लाख की संख्या होगी, तो वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब भगत तो बहुत होते हैं। मेरा ये है कि 9 लाख जाएंगे या दर्शन करने सारी प्रजा, दर्शन करने वाले भगत नहीं कहते? जो दर्शन करने जाएंगे पूरा निश्चय नहीं होगा, लेकिन देख तो आए कम से कम, ऐसे नहीं होंगे। वो क्या है ये, लेकिन वो बच्ची अच्छी नहीं करेंगे बाबा। ये फिर भाई जो कहते हैं सब फिर चाल खाए चाल साधु सन्यासी को सत्संग हुए अभाव है प्योर बाप को ले चलो तुम सब देखो क्या भैया मिलते रहना है। और जो कहते हैं फिर ऐसे गुरुदत्त क्या रहता है तो दूसरे प्राइवेट ही जीवित रहना है। तुम्हारा सत्संग तो भैंस आई है, हमारा सत्संग असली बाप का सत्संग है। जयपुर के बाले ऐसे बोलते हैं, ऐसा बाप का सत्संग असली जयपुर के बाबा ये कहते हैं इनसे बाबा से कि जो ओम शांति वाला जो आप जिस ज्ञान में चलते हैं वो तो ऐसा ही सत्संग है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारा सत्संग है वो असली बाप का है। तो वहाँ बैठ होते बाप का ना बैठा है ना, और ब्रह्म कुमारी बाप है ही नहीं, तो कहते हैं जांच करा, जांच जहाँ ज्यादा आते हैं वहाँ बाप होता है, और जहाँ थोड़े आते हैं वहाँ बाप नहीं होता। उनसे बताओ जो नई दुनिया बनेगी उसमें थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? नई दुनिया में थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? जो नई दुनिया में थोड़े होंगे या थोड़े होंगे, तो जो जो नई दुनिया बनाने वाला बाप होगा वो थोड़े बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता होगा कि ढेरों को पढ़ाता होगा? जो रावण और राम और रावण का युद्ध हुआ था तो रावण की तो बहुत सेना थी, और राम के साथ कौन, राम थे और लक्ष्मण दो भाई तो थे, दो ही तो थे, तो वो कह रहे थे जो उनकी ज्यादा संख्या है तो वो रावण हुए, हमारी कम संख्या तो हम राम के। ब्रह्मा कन्या को ब्याह किया जाता है तो कन्या उसका ऊंचा पद, ब्रह्मा जी को ऊंचा पद बन जाता है। मतलब रावण ने बुद्धि में कहा था कि आगे जो कन्या होती है तो वो ब्राह्मण ब्याह के ले जाता है तो कन्या नीचे कुल की होती है, ब्राह्मण नीचे कुल का होता है, ठीक है, तो कन्या को वो बनाता है तो कन्या उसके घर में रहती है, तो वो अपना नाम ऊंचा कर देती है। ब्राह्मण के साथ पहुंच गई तो ऊंचा ब्राह्मण हो गई। जैसे मुरली में बोला है कि राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी, तो सूर्यवंशी कृष्ण तो राधा जी जान सकी वो तो एक हो जाएगी, इसलिए चंद्रवंशी राधा को पास करने के लिए माना पड़ता है, और जब आ जाती है और सगाई हो जाती है स्वयंवर हो जाता है तो चंद्रवंशी बदल करके क्या हो जाती है, वो परंपरा के नियम चलती है। और क्या बाबा, भक्ति मार्ग में
ये भोले बाबा को बना दिया भक्तों ने, दाढ़ी मुझे दिखाते हैं, पूरे डाकू बना दिया है। अरे बाबा तुम तो डाकू ही बोला, बाबा तुमने बोला है कि भक्ति मार्ग में शंकर का चित्र ऐसे बनाया जैसे रावण, क्या रावण जैसे बनाते हैं, जैसे रावण का भयंकर चित्र बना देते, ऐसे रावण बना दिया, तो वो रावण का बाप नहीं है क्या, असुरों का बाप नहीं है वो, असुरों का भी बाप है, असुरों को भी बदनाम देता है और देवताओं को भी बदनाम देता है, देवताओं का भी बाप है, सारे विश्व का बाप है, सारे विश्व में सिर्फ देवताएं ही है ये असुर भी है, तो असुरों का भी बाप है, देवताओं का भी बाप है, जगत पिता है। तो दुनिया में जब मंदिर कहाँ पे आ गए, उनकी मूर्तियाँ कहाँ पे आ गई, और सबसे ज्यादा पूजा क्यों होती है, पूजा होती है क्या जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, इस्लाम धर्म का पक्का है तो दूसरों की बात थोड़ी सुने, मेरे को भाई भी अच्छा है, बोले रहा था भाई पढ़ता था, वो भाई भी अच्छा है, वैसे कोई गलती बात नहीं है, अच्छा भाई है, कुछ पढ़ा लिखा है आपके बारे में बोलना, अच्छा भाई है, क्या है मतलब वो दूसरी मुर्गियों को, इसके धर्म के 150 करोड़ है और उसके भी ज्यादा हो सकते, तो 150 करोड़ क्या सतयुग में आ जाएंगे, 150 करोड़ बाप का ज्ञान समझेंगे या क्राइस्ट का ही सीमित रहेंगे, क्राइस्ट का ज्ञान समझेंगे या शिव बाबा का ज्ञान समझेंगे, 150 करोड़ उन लोगों से कहो जिन्हें कृष्ण राधा कृष्ण का जन्म होगा सत्युग में उसको कोई साकारी तो जन्म देंगे, राधा कृष्ण को भी निराकार शिव ज्योति मिली तो राधा कृष्ण को जन्म देगा नहीं, तो वो लोग कहते हैं अच्छा तो वो कौन है आपको ये बताइए कि गेहूँ कहाँ से आया, और गेहूँ को बीजने वाला गेहूँ कहाँ से आया, आपको ये भी कहेंगे गेहूँ कहाँ से आया, मेरे जो गेहूँ का बीज होगा गेहूँ के बीज में से तो गेहूँ का बीज निकलेगा, तो जरूर वो साकार में जन्म लेके तो जरूर कोई साकारी में जन्म देने वाला होगा, तो अच्छा ठीक है तुम्हें जो इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ा रहा है तो मतलब हमेशा डॉक्टर की पढ़ाई पढ़नी थी, हमेशा डॉक्टर की पढ़ाई पढ़नी थोड़ा, आप इंजीनियर की पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ो उनसे, उनको कुछ बोलना है उन्हें बोलने दो, जो सुनना चाहती है उनको सुनाओ, जो नहीं सुनना चाहती है उनको नहीं सुनाना चाहिए, जिसको प्यास लगी हो उसको पानी पिलाओ, जिसको भूख लगी हो उसको खाना खिलाओ, जिसको भूख ही नहीं है प्यास ही नहीं है और जबरदस्ती खिलाते फिर तो उससे कोई फायदा नहीं है, उसको पैसा मिलेगा प्लानिंग करेगा, ये उल्टी उल्टी बातें तुम्हारी सुनाएगा, तुम सीधी करके सुनाओ तो उल्टी करके सुनाएगा, इसलिए ऐसे लोगों को ज्ञान सुनाने में फायदा नहीं, साकार है तो दादी, तो दादी प्रजापिता है, ब्रह्म बाबा है दादी होने की, तो दादी है नहीं हमें प्रवेश करके तो बोल सब आ गई शुरू हम हो गया, सब में प्रवेश हो गया, दादी में प्रवेश होगा तो दीदी में प्रवेश होना शुरू कर देगा, तो सर में आपकी हो गया दोनों पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं तो अपने यहाँ गीता पाठशाला खोल सकते हैं क्या, डायरेक्शन है बेसिक मुझे साथ चले, मैं तो डायरेक्ट आया हूँ, बाकी हमारी युवा है वो 8 साल चली, युवा 8 साल चली, तो
आप डायरेक्ट आ गए और युगो ने 8 साल चली, लेकिन आप पक्के हो जाओ। कुछ कहीं कहीं ऐसा होता है कि माताएं तो एडवांस में पक्की बनी रहती हैं, थोड़े दिन भाई लोग डरते हैं, फिर उसके बाद ठंडे हो जाते हैं। तो थोड़ा और पक्के मजबूत हो जाओ, है हाँ। गीता पाकर तो बाबा तो सभी को परमिशन दे देते हैं, जो भी युगल है अगर कोई परमिशन मांगते हैं गीता पाकर बोलने की, तो बाबा तो कहते हैं भक्ति कर ली है, युगल है, हिंदी जानते हैं, तो भले गीता पाकर बोले, लेकिन थोड़े मजबूत हो जाएंगे तो और अच्छा है। कन्या है ना, तो वो बच्ची तो कर ली है उन्होंने, और वो कहती है मेरे को यहाँ नहीं अच्छा लगता है, और उनके पापा तो चलते नहीं है, दादी चलते नहीं है, वो विरोध करते हैं, वो ये होना चाहती है, नहीं कन्या तो जान में चलना चाहती है, ज्ञान तो होना चाहती है। आप क्या कहते हैं, बाप तो ज्ञान सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, उनको तो विरोध करते हैं। अच्छा, अम्मा क्या कहती है, विरोध करती है, अम्मा भी विरोध करती है, बाप भी विरोध करता है। जब तक 18 साल की हो तब तक के लिए खुश रहे, अंदर अंदर ज्ञान में चलती रहे, जब 18 साल की हो जाए तभी अपना सर्टिफिकेट लेकर इसको माता के साथ चाहे जा चली जाए। अभी वो अच्छी 12-13 साल की है, और इनको हक है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर निकाल दिया बच्चों के ऊपर माँ बाप दोनों का बराबर हक है, क्या बल्कि बच्ची के ऊपर माँ का ज्यादा हक है, क्योंकि बच्ची को बाप नहीं समझ सकता नौजवान होने के बाद, बच्ची को माँ समझ सकती है। इसलिए 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 आप जब जाए तो सरेंडर करके आ जाइए। मुरली में तो बोला है माँ बाप दोनों ही, मुरली में नहीं बोला है माँ बाप दोनों ही बोला, मुरली में तो ये बोला है कि माँ या बाप की परमिशन चाहिए, क्या परमिशन के बिना नहीं रह सकते, माँ की परमिशन होगी रख लेंगे, कोर्ट के कागज में साइन कराएंगे। बाबा जनरली अभी जो कन्या गई है ना, तो वह माँ जो है वहाँ इंचार्ज रहने हैं, वो बताती है कि दोनों ही होने चाहिए, अगर एक महीने की अपनी व्यक्ति की बताते हैं कि झगड़ा ना हो, वो झगड़े में हमको न पड़ना पड़े, वो झगड़े कोई कन्या में बाबा नहीं बताता, बाबा कहता है माँ या बाप में से कोई एक आ जाए सरेंडर करके चला जाए, तो उसके बाद कन्या में ताकत होगी तो अपने आप झगड़े। मम्मी मैं अभी दो तीन महीना रह के आऊंगी, जब बाद में सरेंडर होगी कैसे रह सकती है, कन्या होती है ना जा जा करके घरों को देखती है, टिक पाऊंगी नहीं टिक पाऊंगी, फिर उसके बाद शादी कर लेती है, विदेशी बनाए क्या है, ज्ञान बुद्धि में अगर बैठ जाए, ज्ञान तो बुद्धि में है, आप आगे बढ़ सकते हैं, ज्ञान बुद्धि की और कुछ सुना के लिए साथ में बाबा कहेगा, माता का निर्बंधन है, पति विरोध नहीं करेगा तो फिर वो डंडा लेके पुलिस को लेके पहुंच जाए तो क्या करेंगे, मुझे परमिशन लेकर लिखा लो, उनका मूड बढ़िया देख करके और कोर्ट में ले जाओ, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उनसे लिखा लो कि हम हाथ में रहने के लिए जिंदगी में तुमको परमिशन देते हैं, बाबा रख लेंगे, बच्चों की थोड़े ही अम्मा होते हैं, बच्चों की थोड़े ही बाप हकदार होता है, बाप के साथ एग्रीमेंट किया है कि बच्चों के साथ एग्रीमेंट किया है, कोई भी परमिशन सरकार नहीं, पति का वो क्या कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, ये खुली है एक क्लास करती है यहीं पे, लेकिन जो है गाँव की जो पति है वो कहीं साधु संन्यासी हो गई है काफी पहले, एक बेटा भी है, वैसे हो गए 8 साल 8 साल 8 साल हो गए,
दो साल अगर पति पत्नी आपस में नहीं मिलते और उसका प्रूफ है कि दो साल नहीं मिले तो डाइवोर्स मान लिया जाता है कोर्ट में। तुम्हारे तो 8 साल हो गए बेटा से भी स्वतंत्र है, बेटा भी अगर शादी कर लाओ गया तो फिर भी ना स्वतंत्र है, थोड़ा बेटा है लिखा देना पड़ेगा बता दीजिए जा सकते हैं क्यों नहीं जा सकते, कितने साल हो गए माता को विधवा हुए, कितने साल हो गए 20 साल, 20 साल से सही छोड़ दिया।